बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, थोड़ी सी खटाई खा रही हूँ। अरे बहू, खटाई खा रही हो? इसका मतलब मैं बहुत जल्दी दादी बनने वाली हूँ। हमारे घर छोटा सा मेहमान आने वाला है। अरे माँ जी, जैसा आप सोच रही हैं, वैसा कुछ नहीं है। रात को थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इसलिए उतर नहीं रही थी। उसे उतारने के लिए खटाई खा रही हूँ। अरे कमीनी, तू दारू पीती है? मुझे तो आज पता चला है। आने दे मेरे बेटे को, तेरा सारा नशा उतरवाती हूँ। अरे माँ जी, आने दे तेरे बेटे को, मुझे उनसे डर नहीं लगता। और हाँ, दारू पीनी भी उन्होंने ही सिखाई है मुझे। अरे देख करमजली, आ गया मेरा बेटा। बेटा, ये बहू क्या कह रही है कि मैं नहीं डरती तेरे बेटे से, और दारू पीनी भी तूने ही सिखाई है इसे। वाओ। अरे माँ जी, वो तो तुमसे मजाक कर रही है। वो तो इसको खांसी जुखाम हो गई थी, इसलिए लोग कहते हैं दारू को उबाल कर एक घूंट पीने से खांसी जुखाम ठीक हो जाती है। इसलिए मैंने थोड़ी सी एक घूंटी उबाल कर इसको पिला दी। अरे बेटा, ये तो मुझे नहीं पता दारू पीने से खांसी जुखाम जाती है या नहीं, लेकिन दारू पीने से करोड़ों की जमीन और करोड़ों के घर मकान बिक जाते हैं लोगों के। ठीक है माँ, मैं उसे समझा दूंगा, आगे से दारू नहीं पिएगी। और गौरी, तुम क्या देख रही हो? जल्दी से खाना बना लो, हमें खेतों में जाकर काम करना है। क्यों जी, अभी खाना क्यों बनाऊं? हमारे खाना खाने का टाइम तो 11-12 बजे का है और अभी तो 8 ही बजे हैं। इतनी जल्दी खाना क्यों बनाऊं? अरे बहू, तुम्हें नहीं पता हमारे खेतों में बहुत ज्यादा काम है और हम किसान लोग हैं। अगर खाना 11-12 बजे खाएंगे तो खेतों में काम कब करेंगे? देखो जी, माँ जी मुझे खेत में काम करने के लिए कह रही है। मैं घर पर ही रहकर काम करूंगी, मैं खेत में नहीं जाऊंगी। इतनी कड़कती धूप में अगर खेत में काम करूंगी तो मेरा रंग काला पड़ जाएगा और मैं अच्छी नहीं लगूंगी। अरे भाग्यवान, देखो हम किसान हैं, हमें खेतों में ही काम करना पड़ता है। अगर हम खेतों में काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमें खेतों में तो काम करना ही है। देखिए जी, खेतों में मजदूर लगवा कर काम करवा लीजिए। मैं नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझसे खेतों में काम नहीं होता और इतनी धूप में मुझे चक्कर आने लगते हैं। देखो बेटा, कितनी बदतमीज लड़की है, जबान लड़ा रही है। अगर खेतों में मजदूर लगा कर काम करवाएंगे तो पैसा तेरा बाप ला कर देगा क्या? देखिए माँ जी, तुम मुझसे बहस मत करो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी चोटी पकड़कर घसीट दूंगी। अरे बदतमीज लड़की, तू भी बंदरिया की तरह उछल कूद मत कर, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तेरा चेहरा नोच लूंगी। अरे अरे, आप दोनों क्यों झगड़ रही हो? सास बहू का रिश्ता तो माँ बेटी जैसा रिश्ता होता है। नहीं जी, सास अपनी बहू को बेटी कभी नहीं मानती, क्योंकि अगर बेटी मान ले तो किसी भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम भी मेरी माँ को अपनी माँ जैसी मानो, और माँ तुम भी अपनी बहू को अपनी बेटी जैसी मानो, तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आप सभी बहनों से निवेदन है कि आप अपनी सास को माँ और बहू को बेटी मानो, ताकि घर में लड़ाई झगड़े ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी सास बहू की कॉमेडी वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।